क्रिकेट के खेल में हमेशा बल्लेबाजों और गेंदबाजों के प्रदर्शन का ही जिक्र होता है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी के अलावा क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विकेट कीपिंग भी होता है और एक विकेट कीपर इस खेल का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाता है, क्योंकि एक विकेट कीपर विकेट के पीछे न केवल रन बचाता है बल्कि बल्लेबाजों को कैच आउट और स्टंप आउट भी करता है। इसके अलावा विकेट कीपर गेंदबाजों का मार्गदर्शन भी करता है, क्योंकि वह बल्लेबाज के बेहद करीब होता है और बल्लेबाज की फुट मूवमेंट को अच्छी तरह पढ़ लेता है। और आज की क्रिकेट में तो DRS का फैसला भी विकेट कीपर से ही पूछ कर लिया जाता है। आज हम वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 5 विकेट कीपर के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने क्रिकेट में विकेट के पीछे से ही मैच को पलट दिया। हालांकि ये अच्छे बल्लेबाज भी रहे हैं, लेकिन आज हम इनके विकेट कीपिंग के रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है ऑस्ट्रेलिया के महान विकेट कीपर इयान हिले। इयान हिले का क्रिकेट करियर 1988 से 1999 के बीच रहा। इस दौरान उन्होंने ODI और टेस्ट क्रिकेट में 287 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 392 पारियों में विकेट कीपिंग की और 628 बल्लेबाजों को आउट किया। इनमें 560 बल्लेबाज कैच आउट और 67 बल्लेबाज स्टम्प आउट थे। इसके अलावा उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में 4 बल्लेबाज को रनआउट भी किया। 4 पर है श्रीलंका के महान बल्लेबाज विकेट कीपर कुमार संगकारा। कुमार संगकारा ने अपनी बल्लेबाजी से श्रीलंका को कई मैच जिताए हैं और बल्लेबाजी के कई रिकॉर्ड कायम किए हैं, साथ ही विकेट के पीछे भी उनका योगदान बेहद उमदा रहा है। उन्होंने श्रीलंका के लिए टेस्ट, ODI और T20 में 594 मैच खेले हैं, जिसमें 499 पारियों में विकेट कीपिंग की है। इस दौरान उन्होंने 678 बल्लेबाजों को विकेट के पीछे आउट किया है, जिनमें 539 बल्लेबाज कैच आउट और 139 बल्लेबाज स्टम्प आउट हुए हैं। इसके अलावा 29 बल्लेबाजों को रनआउट भी किया है। दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर की बात हो और धोनी का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि रिकॉर्ड के आधार पर वो नंबर 3 पर है, लेकिन मेरे लिए और भारत के तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए वो हमेशा नंबर 1 विकेट कीपर रहेंगे। विकेट के पीछे दोनों की चालाकी और उनकी गेंदबाजियों को दिया गया मार्गदर्शन और DRS लेने का निर्णय भारतीय क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल सकते। धोनी ने भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में 538 मैच खेले हैं, जिसमें 608 पारियों में 829 बल्लेबाजों को आउट किया, जिसमें 634 बल्लेबाज कैच आउट और 195 बल्लेबाज स्टम्प आउट हुए हैं। धोनी ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 195 बल्लेबाजों को स्टम्प आउट किया है। इसके अलावा 33 बल्लेबाजों को रनआउट भी किया है। नंबर 2 पर है ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट ने 1996 में करियर की शुरुआत की और 2008 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते रहे। इस दौरान उन्होंने 396 मैचों की 485 पारियों में विकेट कीपिंग की और तीनों फॉर्मेट में 905 बल्लेबाजों को आउट किया। इनमें 813 बल्लेबाज कैच आउट और 92 बल्लेबाज स्टम्प आउट थे। इसके अलावा 19 बल्लेबाज रनआउट भी हुए। नंबर 1 के स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर मार्क बाउचर। मार्क बाउचर ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 998 बल्लेबाजों को आउट किया है। उन्होंने 467 मैच खेले हैं, जिनमें 596 पारियों में 952 बल्लेबाजों को कैच आउट और 46 बल्लेबाजों को स्टम्प आउट किया है, जबकि 19 बल्लेबाजों को रनआउट भी किया है। मार्क बाउचर की आंख में चोट लगने के कारण उन्हें जल्दी क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा, नहीं तो विश्व क्रिकेट के पहले विकेट कीपर होते जिन्होंने विकेट के पीछे 1000 बल्लेबाजों को आउट किया। तो दोस्तों, ये थे विश्व के टॉप 5 दिग्गज के विकेट कीपर। आपके नज़र में नंबर 1 विकेट कीपर कौन है, कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।